अलीगढ़ मुस्लिम सिटी की ओर से लेटेस्ट में जो भी अपडेट्स आ रखे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। इस तरीके से जैसे ही जब सर्च करेंगे सबसे पहले ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स का आइकन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। अभी लेटेस्ट में दो तीन बड़े अपडेट्स हैं, एक तो ये कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स छोड़ चुके हैं या जिनका जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, जो एएमयू के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये है कि फिर से नोटिफिकेशन आया है। सिंपल ये इनका एग्ज़ाम्स होना है, टर्मिनल एग्ज़ाम कह लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे इनरोल्ड हैं। अभी हम इसको सिंपली सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले जैसे कि कोर्स वाइज मेंशन है, जिस भी कोर्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मौका दिया गया है, डेट मेंशन है, पेपर वाइज है। ये इसके बाद यहाँ पे साफ लिखा कहा जा रहा है नोट्स में कि ऑल द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, और उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट हैं कंसर्न वो नोटिफाई करेंगे कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम्स हो, लेकिन ये है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। ये बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, इसके साथ ये बी कॉम्स वाले कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम छूट गया था किसी वजह से, और ये एमए के कैंडिडेट क्योंकि और एमए आईआरएम का मतलब जो बच्चे छूटे हैं उनके हिसाब से ही अभी आया है। बात बाकी ये है कि जो फॉर्म लिस्ट की बात कर ले तो बहुत सारे जो फॉर्म लिस्ट जो एक बार बहुत सारे कोर्सेज का ऑनलाइन कोर्स उसका सेकंड लिस्ट आया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए हल्का सा, यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में आपको डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट का आइकन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद एक न्यू आइकन ओपन होगा, अभी जस्ट ओपन हो रहा है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स को रिमाइंड कर दूँ जो ये भी हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स गर्ल्स में जो है डायरेक्ट फॉर्म लिस्ट 6 आ गया है, फिफ्थ गैप में मतलब हटा हुआ है, 6 लिस्ट आया हुआ है। इससे पता चलता है कि गर्ल्स का लिस्ट और आया है। और इसके बाद अगर हम बात कर ले बी ऑनर्स में जो है वो फॉर्म लिस्ट 3 तक ही सीमित है, अभी आगे भी आएंगे ऐसा नहीं है। बाद बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में जिसमें और भी लिस्ट आए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करा था उस कोर्स के फॉर्म लिस्ट रिजल्ट से ज़रूर अपडेटेड रहें। इसके बाद अगर हम बात कर ले जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स बॉयज़ में जो है अराउंड 6 लिस्ट आ चुका है, ये देख सकते हैं। खैर डिप्लोमा वाले में भी सेम सीन है, इसमें भी 6 लिस्ट आया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली नोटिफाई किया था कि जिस जिस कोर्स में सीट्स वैकेंट रह गए उसमें आएंगे। तो अभी अगर हम सिंपली किसी एक को डाउनलोड करके देख लेते हैं, क्योंकि पता है ज़्यादा बच्चे इसमें होंगे नहीं, मतलब ये कि 8-10 बच्चे का ही नाम आया होगा, क्योंकि जो जब सीट्स फुल हो जाते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का नाम आता नहीं है। ये अब देख सकते हैं सिर्फ 2 बच्चे का नाम आया, अब सोच लीजिए। तो खैर हम इसकी बात ना करके हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो ये अब इसके बाद जो है बैक टू बैक आते हैं, एएमयू का सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ गया है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर फॉर्म फिल जरूर कर लें आराम से, और बड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में फॉर्म फिल करें, कोई गलती ना करें। पेमेंट करने के लिए कोई ढंग से नेटवर्क स्ट्रांग रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेमेंट को लेकर इशू आ रहा है। अगर आपके ज़्यादा क्वेरी हैं, ज़्यादा इशू हैं, तो एएमयू का हेल्पलाइन नंबर है 9101055333 करके, उसके बाद 111 करके नंबर है, यानी फिर से रिमाइंड करो 9101533 और 111 करके इसके हेल्पलाइन नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करने का टाइमिंग है 9 AM से, लेकिन आज में भी आज लग जाए क्योंकि आज सैटरडे है, बट ये कि 9 AM से 5 PM के आसपास तक है। कॉल लगाइए अंधाधुन, कॉल जब उठाएं तो अपने क्वेरी का आंसर भी लें। अब हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो सीन था उसमें उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब जो भी स्टूडेंट जो एएमयू में स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते थे उनका फाइनली जो डेट दिया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी, ये 2 नोटिस यहाँ पे शो कर, हम किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं, ये सिर्फ न्यू से ही शो कर रहा, आगे वैसे कुछ शो कर नहीं रहा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे साफ जो है पोस्टपोन कर दिया गया, 17-18 को जो होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब न्यू डेट आएंगे, आपको अपडेटेड रहना होगा उससे। बाद बाकी सेल्फ फाइनेंस का तो अभी एडमिशन चल ही रहा है, उसमें जो बच्चे छूट गए हैं वो ज़रूर एडमिशन ले ले सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, जो लेना चाहते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। बाद बाकी यहाँ पे एक ऐड कर दूँ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जैसे जो बच्चे ऐसे हैं जो एएमयू में किसी वजह से हॉस्टल्स में रह रहे थे, एएमयू के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको खाली कराया जा रहा है। और मैं भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अभी ऐसे पैनिक सिचुएशन में ना रहें, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभी कल ही जो है कोविड का केसेस 119,000 के आसपास चला गया है, तो ऑब्वियसली आप हॉस्टल में ना रहें क्योंकि ये जो वायरस है जो कहें ये स्प्रेड कर रहा है 1-to-1। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि आप जो है, क्योंकि ये था सेम ही नोटिफाई कर दिया कि आप ऐसा यहाँ पर फ़िलहाल खाली कर दें, बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो फिर आप आ सकते हैं इस टाइप का।
अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरीज हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।